जो लोग यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और जो बेसिकली uh, आप लोगों को भी अगर थोड़ा कोई uh, मतलब पहले हम छोटा तो सा इंट्रो करेंगे और उसके बाद जैसे थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं। तो बाद में हम वी कैन स्टार्ट ओरिएंटेशन की किस तरीके से हम करने वाले हैं ठीक है uh, कितनी क्लासेस होंगी और किस तरीके से कौन पढ़ाएगा आपको और क्या आपको करना है क्या टाइमिंग रहेंगी उन सब पे हम अभी बात करेंगे जस्ट हम छोटा सा एक इंट्रो देंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट फर्स्ट गीतिका टू इंट्रोड्यूसर गीतिका थैंक यू सचिन सबसे पहले आप सबको वेलकम है uh, मैं गीतिका हूँ मैं एम एस से अपनी पोस्ट uh, ग्रेजुएशन कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस के अंदर और मैं आपको हेल्प करूंगी ट्राई करूंगी जितना मेरे से हो सके कि आप लोगों को मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकूं और uh, हाँ तो बस यही हेल्प करेंगे हम आपको थैंक यू थैंक यू गीतिका इफ हर्ष इज देयर ओके ओके ठीक है सो बेसिकली हर्ष हर्ष प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ उंड बट समाउ आपका हो जाएगा ढंग से प्रिपेयर करेंगे इतना कुछ थियरिटिकल पढ़ना भी नहीं होता हमने बिकॉज मेन हमने

थ्रू आउट दर्नी जिनका पोलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है भी और नहीं भी है तो आई uh, थिंक आप लोगों को वो कोई इश्यू होने वाला नहीं है कि पोलिटिकल साइंस का है या नहीं है एंड एड ऑन हमको एक ऑफिस अभी फॉर्मली स्टार्ट कर देना चाहिए कि किस तरीके से वी वु गो ऑन तो बेसिकली जो सीयूटी का पेपर जो है पहली चीज वी जस्ट वॉन्ट टू uh, uh, कंफर्म दम जे एन यू स्टूडेंट्स हैं तो हम कोशिश हमारी प्रायोरिटी है कि हम सीयूटी में जेएनयू का जो पोर्शन है वो हम करेंगे और हमारी प्रायोरिटी ये है कि जेएनयू का जो क्योंकि जेएनयू डर द्वेंटी फाइव मार्क्स वाला ट्वेंटी मार्क्स वाला जो पोर्शन है पहला वाला हिस्सा जिसको हम जनरल पेपर जो बोलते हैं जेएनयू ओनली कंसिडर मार्क्स ऑफ दोमेन स्पेसिफिक जिसमें पोलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो है कि हम पोलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस करवाएं और पोलिटिकल साइंस जेएनयू में आपकी एंट्री हो बेसिकली बिकॉज़ uh, अगर आपको पता हो तो जो कट ऑफ रहती है सीयूटी की, की जो कट ऑफ है, मतलब है वो जेएनयू लेता है ठीक है तो एक काइंड kind ऑफ of, जो जैसे पहले डी में होता था जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते थे उस ट्वेल्थ में वो जो टॉप कॉलेजेस होती थी वो लेता था तो वैसे ही नाउ सीयूटी में भी एक तरीके की Uh, uh, तो so, यही रहेगा कि आपको जेएनयू में एंट्री मिले और मोस्टली जो है कि आजकल हम देख रहे हैं कि सीयूटी आने के बाद जो पहले हम कोटा जो फैक्ट्री बोला करते थे कि कोटा में आई आई टी की और मेडिकल की तैयारी हुआ करती थी किस तरीके से कोचिंगे भरी होती थी तो वो जो है मतलब बिजनेस जो बन गया था एजुकेशन वाला लेकिन डेफिनेटली दैट इज गुड बिजनेस वी आर नॉट सेइंग कि कोचिंग गलत है बट हमारा ये है कि जो अंडर प्रिवलेज स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए ये एक हर्डल नहीं बनना चाहिए एक बैरियर नहीं बनना चाहिए कि दे आर नॉट एबल टू बेसिकली अचीव देयर ड्रीम यूनिवर्सिटी द बेस्ट यूनिवर्सिटी एज वी ऑल नो जे एन यू इज इन सोशल साइंसिस पर्टिकुलर इन पोलिटिकल साइंसिस वी डोंट हैव हैोलिटिकल साइंस का कोई और इंस्टीट्यूट जेएनयू से बेहतर हमको नहीं दिखता है कंट्री में और सबका एक ड्रीम होता है जेएनयू आना लेकिन ऐसे में पर्टिकुलर सी आने के बाद ऐसा लगता है कि कोचिंग के स्टूडेंट एक डर है कि कोचिंग के जो स्टूडेंट वो ज्यादा बाजी मार जाए क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो मोस्टली जितने फैक्ट आपको रटाए जाए चीज है लेकिन उसी चीज से हम कोशिश करेंगे कि आपको वो हेल्प मिले आपको आजकल आई एम फाइंडिंग कि दस हजार रुपए में कोर्स लॉन्च हो रहा है सी का पंद्रह हजार में हो रहा है तो वो चीज ना करके आप खुद से मेहनत करें और बाकी वी वुड प्रोवाइड ऑल द गाइडेंस तो वी कैन श्योर यू की आप कर लेंगे वी आर सिटिंग हियर एंड नीदर ऑफर्स एस टेकन एनी कोचिंग तो दिस इज फॉर श्योर कि बिना कोचिंग के हो सकता है आपको मेहनत करके एक महीना आपका है और एक महीने में हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जे में एडमिशन हो बस हमको सपोर्ट है कि आप मेहनत करते जाइए वी वुड ट्राई टू गिव आवर बेस्ट तो हमारी क्लासेस भी रहती हैं तो कुछ मेरे को अभी uh, टेलीग्राम पे मैसेजेस भी आ रहे थे कि क्या आप हिंदी में भी प्रोवाइड कराएंगे नोट्स इंग्लिश में भी सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि दिस इज जे स्टूडेंट्स फॉर चेंज जो है वो स्टूडेंट्स ड्रेवन एक मोमेंट है जो आ, हम इस मोमेंट को बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स का तो इस में हम सब भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वी आर नॉट प्रोफेशनल्स बट वी जस्ट वांट कि हमारे जो आने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा हेल्प करें तो हमारी कुछ बंदिशें जो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि आ, ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि एक प्रोफेशनल कोचिंग की तरह हम रोज आपको नोट्स देंगे हिंदी और इंग्लिश में बट वी कैन अश्योर यू की जो मेटेरियल हम यहाँ पढ़ाएंगे उससे आप जो नोट्स बनाएंगे जो चीजें आप यहां करेंगे वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की होंगी जो हम लोगों ने हम हमारे लिए पड़ी थी जो हमने वैल्यू एडिशन किया और जो हमको यहाँ पे आके दिखा कि हाँ सीयूटी में ये चीज पढ़ के भी हम स्कोर कर सकते थे तो वो सारी चीजें हम कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट मतलब बेस्ट स्टूडेंट जो है जैसे कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी क्लास बाय वन पर्सन मैं स, मेरा नाम सचिन है तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एवरी क्लास हर्ष वुड नॉट गोइंग टू टेक एवरी क्लास वी हैव बेसिकली दिस डिविजन ऑफ लेबर हमारे अंदर और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्राई करेंगे तो हमारी जो क्लास है वो बेसिकली तो वो जो है पोलिटिकल साइंस की वो थोड़ी सी इंग्लिश में है बट वी वुड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी ऑल्सो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट uh, मुझे जो मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे दे आर कमिंग फ्रॉम हिंदी बेट और पर्टिक्युलर क्योंकि सीयू भले ही हिंदी में पेपर आप दे सकते हैं बट हिंदी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए थोड़ा सा वो होता है तो वी वुड ट्राई दैट ऑल्सो की उसको ध्यान में रखेंगे और हमारी तरफ से कोशिश है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हम देंगे तो अभी हमारी जो जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि किस तरीके से हम फर्दर जाएंगे तो आई जस्ट वॉन्ट टू कंफर्म फ्रॉम योर साइड हमारे साथ शायद uh, बच्चे हैं सत्रह बच्चे हैं तो नो नो नॉट ओनली ओके सत्रह मेरी स्क्रीन पे वो दिखा रहा था ट्वेंटी तो ट्वेंटी मैं बस क्विकली जानना चाहता हूँ कि आर ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी टी पी जी तो एक बार आप इंट्रोड्यूस कर दें अपने आप को और आप बस ज्यादा नहीं करना आपका नाम और आप कहा से आ रहे हैं विच प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम एंड वाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस तीन मतलब यू जस्ट टू टेल ओनली थ्री थिंग्स योर नेम यू आर कमिंग फ्रॉम वेयर एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस ठीक है बस छोटा सा आप सब अपने आप को एक एक अनम्यूट कर सकते हैं ठीक है या फिर हैंड रेज कर सकते हैं सो आई कैन दिस वुड बी एक स्मॉल सा इंट्रो सो दैट की हम हाँ ठीक है जैन करके हैं देव देव सो so, हाँ देव बताइए इट शुड बी क्विक हाँ जैन जैन देव ओके फाइन आई एम ऑडिबल डेफिनेटली ठीक है फाइन ओके क्वेरी रिजोल्यूशन आपका है अगर कोई क्वेरी हो तो आपको रिस्पॉन्स मिले उस चीज के ऊपर फाइन आई फॉर ओके किसी और का And I am from Andhra Pradesh. Great. I expect a good mentorship from you.

Rupak, प्लीज uh, कोई भी बोल जल्दी से अपना बस थोड़ा सा इंट्रो ताकि हमें पता हो ऑडियंस कहाँ कहाँ से हेलो यस हेलो हाँ रूप रूपक भैया आई एम फ्रॉम बिहार ओके माय नेम इज रूपक एंड आई वांट टू सम ब्रीफ फॉर प्रिपरेशन ओके ठीक है ओके रूपक बिहार से हैं और कोई लहर हैलो क्या या भैया मेरा न, आ, मेरा नाम अमित शुक्ला है मैं अयोध्या अच्छा। उत्तर प्रदेश से हूँ okay, 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 थे... नहीं है ठीक okay. है okay. आ, you, आ, आ, मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको तो हम बात कर लेंगे उसके ऊपर और भी पूरा एक बार छोटा सा कोई और कुछ बोलना चाह रहा तो बोल सकता है नीरज बोलिए हेलो भैया मेरा नाम नीरज कुमार है मैं झारखंड से हूँ

देवेश बस आपकी आवाज कट गई थोड़ा सा अगर नेटवर्क में आ सकता है थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हम सुन नहीं पाए आप क्या बोल रहे थे अगर आप नेटवर्क नहीं ने तो आप लिख के भी भेज सकते हैं गो टू चे मुझे पता है ये भी एक इश्यू है कि डिजिटली भले ही हम कितना भी बात करें डिजिटल इंडिया बन गया है बट दिस नेटवर्क वाला इश्यू हमारा है सो so, हम उसकी भी कोशिश करेंगे कि वी वुड ट्राई टू रिकॉर्ड ऑल्सो जो भी हमारा पढ़ाया ताकि आप मान लो किसी वजह से नहीं लाइव देख पाए तो यू कैन रेफर टू दैट रिकॉर्डेड वीडियो ऑल्सो सो आई थिंक अभी वी हैव ऑडियंस हमको बिहार से स्टूडेंट्स ने uh, बिहार से स्टूडेंट हैं आंध्र प्रदेश से हैं गुजरात से हैं तो मतलब वी आर कवरिंग अ गुड स्टूडेंट्स uh, और धीरे धीरे और जुड़ेंगे अभी आई थिंक 25 हैं और भी धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ेंगे क्योंकि अभी इतना ज्यादा पता ही नहीं चल पा रहा है okay, बारिश हो रही है हमारे साथ भी आज बहुत बारिश हुई थी जेएनयू में भी दिल्ली में भी खूब बारिश हुई थी आज जम के सो so, ठीक है तो बेसिकली है, मैं ब्रीफली आपको बता दू किस तरीके से हम जाएंगे तो वी हैव हार्ड हेयर गीतिका मी एंड मोर अदर्स वुड बी संपत इज आल्सो हियर सचिन संपत 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 इज इज हियर ओके फिर इंट्रो दो ना एक बार मैं मैं संपत पूछा था कि

ओके जस्ट आफ्टर दिस सेशन मैं आपको जो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो उसमें जो शेड्यूल वैसे ये हमारे भी अवेलेबिलिटी uh, के हिसाब से होगा बट वी वुड ट्राई की हमारा इस तरीके से कि 24 डेज में यानी फ्रॉम टुडे ओनली आज तो इस ओरिएंटेशन तो आज को मिला के हम ट्वेंटी डेज में वी विल ट्राई टू कम्प्लीट होल ऑफ द सिलेबस और हमारा ये होगा कि देर वुडरेंट वॉलंटियर्स जो आपको पढ़ाने वाले हैं इंस्ट्रक्टर और उनका जो टॉपिक है we, uh, we would decide on ours, तो आपको बेसिकली हर एक टॉपिक डिफरेंट वॉलंटियर पढ़ाने वाले हैं और जो मतलब दे आर बेस्ट दे आर द टॉपर ऑफ सी टी लास्ट सी टी देर टॉपर Uh, that's why they got the JNU. So uh, I think uh, जो quality है वो आप उनसे expect कर सकते हो. We have संपत संपत uh, का तो basically he is a JRF ठीक है. Uh, so JRF basically अगर आप जानते हो तो एक आप जो research fellows ये वो करते हैं वो है, तो we had a different uh, uh, मतलब uh, best of the students. So all are that Harsh he was from computer science and he joined the political science. तो वो सब आपको बेसिकली uh, हेल्प करेंगे टेलीग्राम में लिंक डाल दूंगा एक बार जस्ट आफ्टर द सेशन लास्ट में सेशन के मैं डाल दूंगा उसमें तो अभी हम क्या करेंगे 24 सेशन हमारे होंगे और टाइम आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू क्योंकि हमारी अवेलेबिलिटी भी जरूरी है एंड मोस्ट ऑफ अवर वॉल्टियर टू सेवन क्लास हमारी गूगल मीट पे होगी ठीक है और हम फाइव टू सेवन क्लास शाम को करेंगे दो घंटे की क्लास होगी और क्लास डेली होगी तो आई नो डेली पढ़ना थोड़ा मुश्किल बट क्योंकि हमको एक महीना है तो वी है तो तो दो घंटा डेली आई थिंक यू कैन मेक दैट तो हाँ आई अंडरस्टैंड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश ओनली बट देर आर मेनी ओर पीपल वर्क फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड ऑल्सो मेक दिस कॉम्बिनेशन प्लीज टॉलरेट मी तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू दिस इन ट्वेंटी फोर से थ्रू द गूगल लाइव ओनली इन इवनिंग फाइव टू सेवन In case you are not able to do the class uh, live, you can basically uh, uh, take the recorded lessons. That would be on our YouTube channel. So, I would share the YouTube also and we would also paste this into the Telegram. So, please remain there in the telegram and also we have sampath so sampath has also a whatsapp group so uh, there are i think uh, a major chunk there so sampath is basically doing this work from uh, many days uh, so he has that experience of basically helping the student so he would be also posting in his group but our group would be telegram group i would be sharing in the uh, comment box now so you have to just basically join that uh, group and uh, classes would be daily 5 to 7 and Particularly if you need any mentorship, so we would have mentorship session also in between. Like if you have classes for the six days, seven days, we can have a, mentor, a small session of half an hour after that class and whenever you want. Still, if you have any query, any doubt, anything, you can just write in the Google uh, that uh, Telegram group because the group is open for everyone. You can ask anything and so um, we would be circulating our phone number also later on so you can even contact us and call because sometimes uh, uh, some students coming from hindi belt or some other language they find it difficult to communicate on the telegram so we would also give you the numbers but that uh, afterwards so for now you can just ask your query in the our uh, that uh, telegram. Now, I don't think we have anything else to tell you this about the class, about the link. Link for the class would be the same. This link would be the same for every class. You just have to just uh, check, and otherwise, if the uh, link would change, we would notify into the telegram group. Now, if you have any doubt, any query, uh, and I would send the uh, whole um, basically schedule. How we are going to take the classes, which is the schedule, and who is going to take the class that would be mentioned in that schedule. Plus, we are also doing public administration that is not mentioned into the uh, that CUET syllabus. But our experience says that they would ask question from public administration also, so we would be covering that portion also with one or two classes. That I think Richa would take that class. Uh, she is one of my friend, uh, classmate. So basically, uh, the JNU students for change would try to cover all the syllabus holistically, and plus the notes on the notes. Few of the uh, our uh, volunteers would providing you the notes. But even if you are not, uh, because we are also students, we have to do a lot of things. So if someone is not uh, able to provide you the notes, they would tell you the source and what to read from there. And still, I think uh, rather than collecting the notes, try to focus on what they are telling into the class. The most of thing that they what they would tell you in the class, please note down that. That is going to help you. And uh, the source they are telling you, and we would uh, give you the all the PDFs.

try to achieve that genuine rank and we would help you uh, anything else if Sampat or hurts, uh, anything uh, I, I left to chodna chahiye Hurts would be uh, taking i think hurts. Uh, you were taking the classes of ir right uh, you are you International are, relations. Okay. yeah i also wanted to add like we'll try to restrict ourselves like it's, we'll We'll try to restrict ourselves. We'll not indulge in debates like because time yeah. also personally, I दो घंटे की क्लास होगी हम उसमें मेजर मेजर चंग्स कवर कर ले पोलिटिकल फिलोस की बात करते हैं तो उसमें होता है की स्टीवन लूस की पावर ये है फूकू की पावर वो है तो उसमें तो बट Mostly हम कोशिश करेंगे कि कि बिकॉज़ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है तो हमें पता होगा ने ने थर्ड बोला था माइकल क्या बोला डाल क्या बोलता है तो मेरे पे फोकस करेंगे और जब हमें पूरे एक्सटेंसिवली पढ़ना है वो हम जेन आगे वो तो जेएनयू में कर लेंगे हम हम तो यू कैन डू एनीथिंग बट फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम अबाउट हाउ मच यू नो सो बेसिकली हाउ एक्सटेंसिव नॉलेज तो कितनी बुक्स के बारे में आप जानते हैं वो सब चीजें uh, कौन लिखा क्या लिखा वट इज दर्ग्यूमेंट बस वो आपको जानना है जो हम कर लेंगे बाकी आई थिंक हर्स वुड बीसोनालाइजिंग समय क्वेश्चन पेपर एंड संपत् ऑल्सो टेकिंग सम क्वेश्चन पेपर आई थिंक एंड देर इजन्याज ऑलसो टेकिंग सोनाइजिंग प्रिवियसर क्वेश्चन पेपर दे वु बेसिकली टेल यू वाट टू रीड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाट टेलिंग वाट टू रीड एंड वन मोर थिंग ज वॉट टू अवॉइडर रिसोर्सेज एज मच एज यू कैन सो क्योंकि इतना सारा है अब लक्ष्मीकांत एवरीबडी डेटेल की इंडियन पॉलिटिक्स के लिए रीड द लक्ष्मीकांत बट सिर्फ पांच पेज पढ़ने लक्ष, लक्ष्मीकांत के टॉपिक से कौन सा कहा से पढ़ना है क्या पढ़ना है सो दैट वुड हेल्प यू सो दट आपका बर्डन रिड्यूस हो क्योंकि हमारी ह्यूमन माइंड की कुछ कैपेसिटी है पर्टिकुलरली जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते तो ऑलरेडी हमारे पास इतना कुछ होता की ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा तो वी वुड हेल्प इन दैट किसी का कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क रिसोर्सेज का थ्रो अगर कोई कुछ मैं खुद से नहीं एड करूँ की मैं बहुत बोल लिया हूँ और वैसे भी रिसोर्सेज आई थिंक सब जो वॉलंटियर वो अपने हिसाब से बता के अपने हिसाब से बता देंगे तो आई डोंट थिंक कि मुझे लिस्ट बनानी चाहिए आपके लिए अभी बट स्टिल इफ यू वांट यू हैव एनी क्वेरी किसी भी, uh, भी चीज की यू कैन आस्क आई ओपन दिस हाउस फॉर यू सचिन आई एम गेसिंग टू रेज लाइक टू हैंड्स आर रेज ओके ओके आंसर देम लहर और अच्छी का आई हैव समथिंग टू ऐड सचिन लाइक आई Be teaching uh, Western political philosophy, some of the topics from Western political philosophy, and I might be teaching it for teaching it with uh, some path. So I मैं ये कहूंगी कि अभी आप लोगों के पास एक महीना है अगर अभी आपने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो अब आप जान लगा के प्रिपरेशन करना क्योंकि एक महीना समय बहुत कम है जितना इजी साउंड कर रहा है उतना इजी नहीं पड़ेगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस इस तरीके से आते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव uh, में उनके पास एक ही तरीका है कि आपको आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करने का कि वो आपके जो uh, जो भी uh, आपके ऑप्शन होते हैं उनको काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो इसीलिए आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना Important है तो ऊपर ऊपर से भी ज्यादा पढ़ने से काम नहीं चलेगा थोड़ा understanding not, IR, for philosophy, definitely, uh, they तो आप थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी ध्यान दीजिएगा मतलब मैं बच्चों को कह रही हूँ जो भी बच्चे हैं यहाँ पर और वेस्टर्न पोलिटिकल फिलोसफी में तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ध्यान देना ही पड़ेगा

टेलीग्राम ग्रुप इज जेन यू एस सी फ्री क्लासेजिकली सी टी फ्री क्लासेज आई डोंट नो की वेदर यू कैन सर्च दैट फ्रॉम दैट नेम आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक इन द मैसेज बुक्स यू मे बस वन से बाकी जब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क

तो you would able to do it. है, हाँ थोड़ा आपको थर्ड oh. ईयर का एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा बट आई थिंक दैट इज हम सब देते हैं और बहुत सारे लोग होंगे जो सीयूटी एग्जाम देंगे उनके फाइनल एग्जाम चल रहे होंगे क्योंकि ड्यू टू द कोविड ना हमारा पूरा वो खिसक चुका है पूरा बैलेंस ही बिगड़ चुका है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर गिविंग थर्ड ईयर एग्जाम इन द जून एंड सम आर गिविंग इन द मे so even at the June few of due student would be giving their exam so basically i think aap आप लोग अपना uh, management थोड़ा सा बैठाने की कोशिश करें हो जाएगा डरी मत की नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग करके आए अगर डेडिकेटली आपने थोड़ा सा ढंग से अच्छे से हमारे साथ पेस बना के किया दो घंटे की क्लास ली और आधे घंटे एक घंटे बस उस नोट्स को रिवाइज करने की कोशिश की देन इट्स इनफ आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है बट वो है कि थोड़ा फोकस्ड आपको करना पड़ेगा क्योंकि कई बार हम दो घंटे बैठते हैं और किताब बस उलटते रहते हैं तो वो भी होता है हमारे साथ बट डरने वाली कोई बात नहीं है आप एग्जाम के लिए यू महीने पहले से पढ़ने लग जाते तो टेंशन भी बात नहीं है कोई पढ़ाई करी बिल्कुल भी क्या हो जाएगा वंशिका नोटो प्रॉब्लम ओके okay. तुम्हारे जूनियर है फिर तो बेस्ट फिर फिर ही वुड टीच यू फिर तो अलग से पढ़ाएगा वो आर्यभट्ट वालों को तो <laughs> पढ़ाना भी चाहिए <थे> इनको डेफिनेटली <laughs> कोई और किसी का क्वेश्चन हो आई थिंक अगर अगर सब बच्चे बता सके कि वो अभी कहाँ पर उन्होंने कितने प्रिपरेशन कर लिए तो हमको वो हेल्प करेगा कि हम उनको कहाँ से पढ़ाना शुरू करें मेरा तो बाकी पूछने से पहले मेरा एक इस पे, पे पॉइंट है

यार नहीं आपके लिए मैं, मैं, मैं बोल रहा हाँ बोलिए आप बोल रहे हैं कि मेरे पास क्लास नहीं है तो यू आर जस्ट अ गुड मोटिवेटर कि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेट आप अच्छे से कर दे रहे हो जैसे लग रहा है कि हम और थोड़े दुगने स्पीड से इसको कर ले यही जरूरी होती है गीतिका का सेइंग कि पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है बस हमें कोई बता दे कि हो जाएगा और यहाँ से पढ़ना है दैट्स वी वुड डू उसका टेंशन मत लो नीरज बस तुम बस तुम्हारा काम है मेहनत करना बाकी हम धक्का देते रहेंगे ठीक है सो जस्ट एकदम उस चीज को अब डोंट पांच हजार दस हजार वाले ले लू मैं बोला एक चीज की फेथ बहुत जरूरी है सो इफ यू वुड की बेस्ट ठीक है और ये तो मैं देख रहा हूं कि मोस्ट ऑफ पीपल इन माई क्लास जो अभी क्योंकि आपको पता हो जे में हंड्रेड स्टूडेंट की क्लास होती है पोलिटिकल साइंस की हंड्रेड पी की और फिफ्टी आई की यानी आपके लिए अराउंड ढाई सीट है जेन्यू के लिए, जो आप देंगे एग्जाम और मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है ठीक है बट मोस्ट ऑफ देम डन ऑन देअर ओन तो ये आप खुद से कर सकते हैं जिस यूनिट स्मॉल मेंटोरशिप जो हम कर लेंगे ठीक है जहां आपको दिक्कत आएगी यू कैन जस्ट हम एक बार मैसेज डालने की जरूरत है ठीक है कोई और किसी की क्वेरी अच्छा लहर का अगेन हाथ है ही खड़ा आई थिंक कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं बाकी आई थिंक गेट कवर्ड एवरीथिंग ओके देव कुछ पूछना है आपको और लहर मोर या सर, आपने नाम क्या बताया फॉरगेट हाँ हाँ बोल सर मैं आई सेंड यू सम क्वेरीज ऑन योर टेलीग्राम चैनल और आप हिंदी में भी अगर बोल सकते हैं अगर यहाँ भी बोलना चाहें तो क्योंकि यहाँ पे बाकी लोग भी आपका जवाब दे पाएंगे इस वक्त। पर ठीक है लोग हैं कल को पता चला तुम हमारे एक साल जूनियर ही हो बस <laughs> ठीक फिर तुम हमको क्या दोगे क्या होता है वो हम इनको फ्रेशर देंगे फिर हमको फेयरवेल देंगे यही चलने वाला है चल, चलो ठीक है तो फिर एंड करें या फिर कुछ क्वेरी नहीं है तो ठीक है सो थैंक यू ये आज हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आई um, होप आप सब लोग जुड़े रहेंगे 25 लोग यहाँ हैं 25 लोग भी जुड़े रहते हैं तो आई थिंक इट्स ग्रेट अगर एक भी बंदे का हम हेल्प कर पा रहे हैं तो आई थिंक दैट्स ग्रेट और धीरे धीरे आप भी अपने साथियों को बताइए जिन ग्रुप में आप हैं मुझे पता है बहुत सारे पेड टेलीग्राम ग्रुप्स में जहां पे ये हमारा पोस्टर गया था उन्होंने काट दिया बिकॉज दे हैड टू रन देयर ना एंड देर इज नथिंग बैड इन रनिंग योर बिजनेस दे आर डूइंग देयर ओन बट वी वांट टू डू आवर इनिशिएटिव विद आवर बेस्ट तो हम चाहते हैं कि आप जितने लोग आपके कॉन्टेक्ट में आपके साथ लोग दे रहे हैं या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप किस टेलीग्राम ग्रुप में आप हैं तो स्प्रीड द वर्ड्स एंड डोंट थिंक कि अगर मैं इनको बता दूंगा तो ये भी पढ़ लें कंपटीशन बढ़ जाएगा अल्टीमेटली द गुड थिंग्स वुड ऑलवेज हेल्प यू तो आप किसी का अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली दैट वुड पे यू बैक और बाकी तो ढाई सौ सीट है आपको चाहिए एक तो ईच वन ऑफ यू वुड गेट बस थोड़ा सा मेहनत एंड देन देखो तो ठीक है देन वी आर जस्ट कम अगर कोई किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो वी कैन एंड लिंक अगर आपको एक बार देखनी हो तो यू कैन चेक इन टू दिस इन कॉल मैसेजेस में हमने डाला हुआ है uh, अगर आप सर्च भी मारेंगे तो इट्स फ्री जे एन यू टी डॉट मी फ्री जे एन यू तो अगर फ्री जे एन यू के नाम से आप डालेंगे तो यू वुड गेट दिस ठीक है बाकी थैंक यू सो मच एंड थैंक्स गीतिका हर्ष आई थिंक संपत लेफ्ट ही वाज़ इन लाइब्रेरी थैंक्स बोथ ऑफ यू एंड और लोग भी आएंगे दे वुड कनेक्ट विद यू पीपल डायरेक्टली क्लासेस में ठीक है थैंक यू आई वुड नाउ सेंड दिस

thanks to all of you. thank you. and good night, sabakir. Uh, see you tomorrow um, 5 to 7. and i would send Kal the class. i think Gitika would take the class. so Gitika would see you in 5 to 7. thank you. thank you everyone. Bye. thank you everyone. thank you guys. bye.